Assalamualaikum. Welcome to our another episode of the Mirza Malik Show, powered by Spotify. आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग हैं, बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. एक है लेजेंडरी क्रिकेटर और एक है हार्टथ्रॉब. Let's welcome then Waqar Bhai and Imran Abbas. Thank you very much. आप बताएं इमरान, आपको कैसे लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है. इतनी लंबी फ्लाइट के बाद, बहुत लंबी फ्लाइट के बाद दूसरे कोने से आना, और लेकिन हाँ पे ऑफ कर गया यहाँ आना, क्योंकि डेफिनेटली आपसे तो पहली दफ़ा मिल रहा हूँ मैं जी. शेब भाई से बहुत दफ़ा मिल, कई दफ़ा लिफ्ट में, लॉबी में, नाश्ते की टेबल पे, एक ही होटल में हम ठहरे होते लेकिन हैं. जो गपशप हुई थी उसके बारे में नहीं बताना. नहीं नहीं, वो आई थिंक उल्टा हुआ है. मुझे सिडनी से आना चाहिए था और इनको लाहौर से आना चाहिए. मैं सिडनी से आ रहा हूँ, ये लाहौर से आ रहा. विकी भाई आप बताएं, अब वसीम भाई ने तो फिल्म कर ली, अब आप? वसीम भाई ने तो बहुत कुछ कर लिया. वसीम भाई ने तो किताब भी लिख ली. हाँ. उन्होंने तो मूवी, लेकिन हमें फिल्म की बात बताएं ना. ओके. कि वसीम भाई ने तो अब कर ली, तो आप को एक्टिंग करेंगे. अभी हमने आपको शो पे देखा है, आपने उस पे डांस भी कर लिया आपने उस पे. वो तो मैं जो कहते हैं ना, बह गया था एक. अच्छा, बंदा, बह गया मेरे मेरे साथ जो बंदा था वो थोड़ा चला हो गया था. हाँ. उसको ज्यादा डांस आया हुआ था, तो मैंने उसको सिर्फ सपोर्ट किया था. वो मैं तो नहीं था ना. नहीं, यू नो, आई मीन आई डोंट थिंक आई एम बिल्ट फॉर मूवीज, क्योंकि बट नेवर से नेवर. विकी भाई, आई मीन अब नेवर से नेवर, अब कह सकता हूँ इस एज में तो. मेरा ड्रामे तो कर सकते हैं ना. Age is just a number, Waqar bhai. I know, for you maybe. Yeah. No, for you also. Yeah, trust me. I don't know. Yes, I mean you're right. कि हर ना नहीं करनी चाहिए, but I don't know wherever life takes me. Imran, आप बताएं. We have seen you in Bollywood movies, but you haven't done any Pakistani movie. Why is that? नहीं, recently you haven't done any Pakistani movie. हाँ, recently मुझे offers जितनी भी अभी release हुई थी उनमें से मेरे ख्याल 50% के स्क्रिप्ट मेरे पास पड़े हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ बहुत स्क्रिप्ट पे और कहानी पे काम करने की ज़रूरत है अभी. या तो शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्मों का हिस्सा बन सकूँ, और आई थिंक अदर वे अराउंड, आई डोंट नो, बट या आई थिंक वी नीड. बट इन नियर फ्यूचर वी विल बी एबल. अभी भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं कर रहा हूँ मैं. जो आगे 3 फिल्में कर रहा हूँ वो तीनों पाकिस्तान से नहीं है. वो कहाँ की हैं? एक तो एक अमरीका की है, एक दो हिंदुस्तान की हैं अगेन, और एक इंडियन पंजाबी फिल्म है. दैट्स गुड, दैट्स वेरी. तो मुझे मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक, मुझे बहुत शौक था कि मैं ये वाला सिनेमा भी एक्सप्लोर करूं, क्योंकि पंजाबी सिनेमा दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बड़ी खूबसूरत ज़बान है. मुझे लगता है कि इसकी जो डेप्थ है इसके अंदर, और जिसके जितनी इतनी चाशनी है इसके अंदर, वो बाज़ दफ़ा बहुत सारी और ज़बानों में मिसिंग होती है. ऑडिशन शुरू हो गया आपका, पंजाबी थोड़ी सुनाए. नहीं 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 भाई, वो तो सारी स्क्रिप्टेड होगी. अच्छा विकी भाई, बताएं कि ऑब्वियसली आप प्लेयर तो थे ही, लेकिन आप कोच भी थे, फिर आप यू बीन एसोसिएटेड फॉर सो लॉन्ग विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. इसमें अब आप फाइनली यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम डायरेक्टली, तो आपके इन इस वाले टीम में, इस 11 या 15 लड़कों में सबसे फेवरेट कौन है? मतलब द 3 बॉयज दैट यू थिंक आर द बेस्ट इन ऑल राउंड, नॉट जस्ट के यू नो ही प्लेज वेल और समथिंग, लाइक इन जनरल. देखिए, 90s के बाद ये पहली प्रॉबेबली टीम आई है जो पिछले 3-4 साल में जो ऐसा दिख रहा है कि यू नो वी बैक ऑन ट्रैक, जो जिस तरीके से हम पहले क्रिकेट खेला करते थे. बीच में थोड़ा सा इश्यूज बहुत सारे आए हैं, बट अब लग रहा है कि जैसे बाबर आजम आया है, जैसे शाहीन अफरीदी है, शादाब है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ एनर्जी, दे जेल वेल ऑल्सो. सो आई मीन ये टीम जो है, मुझे लगता है आई मीन एशिया कप में फाइनल में आना, वर्ल्ड कप के फाइनल में आना, तो इनमें पोटेंशियल डेफिनेटली है कि दे कैन गो लॉन्ग वे. मे बी नॉट दैट मच इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट, बट ये शॉर्टर वर्जन जो वाइट बॉल क्रिकेट है, आई थिंक दे हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू बिकम यू नो द टॉप टीम. दे हैव बीन इन द नंबर 3, ऊपर की 3 टीमों में ये काफ़ी अरसे से यू नो 1-2-3 रहते रहे हैं.
सो आई फील के वाइट बॉल का आई थिंक इश्यूज इतने नहीं है, रेड बॉल में भी मैं भी समझता हूँ कि उसमें अभी काम करने की जरूरत है। एंड यू थिंक, अच्छा व्हाइल वी आर एट इट, अब मुझे ये पूछना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी आपके ऐसे दो कोई नाम हु यू थिंक आर सम ऑफ द बेस्ट हैं अभी, ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम में भी सम ऑफ द बेस्ट? इंडियन क्रिकेट टीम में अगर पाकिस्तान की बॉलिंग इंडियन की बैटिंग के साथ मिला देंगे तो देयर विल बी द वर्ल्ड बीटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग वाइज ऑफ कोर्स इंडियन टीम दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप टीम्स व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल, इवन यू नो रेड बॉल आल्सो। विराट कोहली हैं, यू नो रोहित शर्मा हैं, और अब ये नया जो सेंसेशन जो सूर्य कुमार यादव, फिर आई मीन हार्दिक पांड्या, आई मीन दे जस्ट, उनकी बॉलिंग का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उस पर आता है कि जो मीडियम पेसर या इवन टू स्पिनर्स टू एन एक्सटेंड, अब वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी, बट दे आर वेरी फाइन साइड, यू नो आईपीएल में नजर आता है, देयर सो मच मोर टैलेंट एट द बॉटम आल्सो, सो दे आर ऑन द राइट पाथ आई फील। इमरान आप बताएं, अ न्यू एक्टर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद, एनी न्यू एक्टर यू? न्यू एक्ट्रेस? यस, अभी मैं एक्चुअली मैंने बहुत अरसे से टीवी देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है नया। इंटरनेशनल कोई बता दें यार। आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, नई तो उस तरह तो नहीं है कि मैं तो माधुरी का और वो वाला फैन, और फिर रानी मुखर्जी और हम लोग तो वो वाले थे, लेकिन उसके बाद हमारे हिसाब से न्यूअर लॉट ही है, बट आई थिंक आलिया इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। विक्की भाई, आपके बहुत सारे ग्रेट मोमेंट्स हुए हैं आपके क्रिकेटिंग करियर में, नॉट जस्ट प्लेइंग बट ऑल्सो एज अ कोच, तो आप बताएं कि आपके टॉप एक क्रिकेटिंग बेस्ट मोमेंट एज अ प्लेयर and one of your top moments as a coach? Playing mein to bahut sari performances, individual performances to bahut sari hain. England series ka jeetna, 92 World Cup ka jeetna, I was very young at the time. Main part to nahi tha uska, lekin you know I got injured just before that. That was something very very special. He was the first captain jinhone mera batting order number 10 se number 4 pe leke gaye the aur I scored 100. फिर जरा बैटिंग की तरफ रेकग्निशन मिली और करियर, इसीलिए वकार भाई ने कहा कि ये अभी तक खेल रहे। नहीं नहीं, बट थैंक्स टू यू एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट थैंक्स टू मी, थैंक्स टू यू कि ये अभी भी खेल रहे हैं। ऑनेस्टली मैं इसलिए कि जो इतनी फिटनेस है ना, चलना इसकी जो फिटनेस है ना, मुझे मालूम है, आई नो, क्योंकि मैंने इसको बचपन से देखा है, यू नो फ्रॉम द एज ऑफ 17 एंड नेवर सीन हिम दिस फिट इवन एट द एज ऑफ 17, सो is lot to do with finally you. मुझे क्रेडिट मिल गया। आपको भी चल, आगे शो तो चलने दे, अच्छा, सारा आप ही को दूंगा। सब आप मुझे देंगे। चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी और मेरी तारीफें भी होती रहेंगी, जैसे विकी भाई ने कहा है। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है और हम चलते हैं फन ताक्षी की तरफ। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वकार भाई एंड इमरान अब्बास और अब हमारा वक्त हुआ है फंताक्षरी। ये हमारा बहुत फनी सेगमेंट है और आप लोग देख रहे हैं द मिर्जा मलिक शो। सानिया एक्सप्लेन करेंगी। ये गेम में हम आपको क्यूज देंगे, आपको गाने गेस करने हैं। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ गेस करने हैं ना, गाना तो नहीं ना? आपको गाना भी पड़ेगा क्योंकि ये सिंगिंग शो है, आपको इस पे टैप करना है। पहला टैप जो भी करेगा गाना गाएगा और 10 रन्स मिलेंगे सही गाने के और -5 मिलेंगे गलत। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्लू, शहजाद रॉय, फेस, हसीन, जादू, गुस्सा, जज्बात, क्योंकि ये गाना मेरे पर ही शूट हुआ था। यस, तेरा मुखड़ा हसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, मैंने देखी है कई लड़कियां सोड़ियां, तेरे जैसी मिली मुझे ना। बॉल पे छह रन, आप पे गाया गया था ये, मुझ पे एक टेलीफिल्म थी जिसे मेरे पर शूट हुआ था गाना। नेक्स्ट क्लू, एक गाना जिसमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि व्हेनेवर समवन कॉल्स यू विद लव यू विल रिमेंबर मी। ये जी, ये है, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। यही है, यही था,
विक्की भाई किधर गए हैं? अच्छा है इधर, मैं हूँ इधर ही। मैं भी इधर सुन ही रहा हूँ, तो उधर ठा हो जाते, मैं क्या करूँ फिर? मेरी नेक्स्ट क्लू, विक्की भाई रेडी हो जाएं प्लीज। हसन रहीम, जतिन बीबीज, मूव बैक। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए। मैं चलता हूँ। यही था? मुझे नहीं मालूम। बहुत ही अजीज दोस्त का गाना है, मैं ये भी क्लू आपको दे रही हूँ। पिया इज बैक होम सेलिब्रेशन। मेरा पिया घर आया हो नान जी, मेरा पिया घर आया। Well done. Finally you're back, Vicky bhai. There you go. So now you got 10 runs. You have 10 runs. You got 30 runs. 30. मुझे लग रहा है पहले मैं खड़का दिया ताकि बाद में ये दोस्त की वजह से नहीं, माधुरी की वजह से याद है। अच्छा, ये तो विक्की भाई आपको गेस करना चाहिए। स्ट्रिंग्स बैंड, क्रिकेट वर्ल्ड कप सॉन्ग, मस्ती। ए ओ ए ओ ए ओ आ आले 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 ओ। वर्ल्ड कप सॉन्ग। वेल डन विक्की भाई, नाउ यू गॉट अनदर 10 रन। क्रिकेट पे आएंगे तो समझ आ जाएगी मुझे। चलें नेक्स्ट क्लू की तरफ जाते हैं। अखियां, नुसरत फतेह अली खान, आजा जा तेनू अखियां उड़ीक दियां। विक्की भाई, बड़ा कोई कमबैक किया वकार में। विक्की भाई अंडर प्रेशर, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वैसे। नुसरत की बात करेंगे तो शायद आप टाई हो गया है गाइस, दिस इज अ टाई ब्रेकर क्वेश्चन। नहीं, मैं आगे हो गया हूं। 3-2 हो गया है। 30 रन पे आप दोनों। और नेक्स्ट क्लू है एक फिल्मी गाना जिसमें रिक्वेस्ट है डोंट गो अलोन। अकेले न जाना। अच्छा ये भी है। और वो जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। सो हमें तो एक नहीं, वेल फॉट विक्की भाई। हमारे पहले गेस्ट हैं जिन्होंने दो चॉइसेस दिए हैं, दो गाने गाए हैं। 17 की वैरायटी में दस्तयाब है जी, हमारी दूसरी ब्रांच नहीं है। रन आपको 10 ही मिलेंगे, रन 10 मिलेंगे, लेकिन आप जीत गए हैं। कांग्रेचुलेशंस, वेल फॉट विक्की भाई। अब आप लोग, अब आपको क्योंकि आप जीते हैं, आपको स्पॉटिफाई की तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जो शोएब अब लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ Spotify Times Square पे मेरी एक तस्वीर लगी हो। इंशाल्लाह लग बहुत जल्दी Spotify स्टार ऑफ द ईयर। इट्स फॉर यू। बहुत शुक्रिया जी। और विक्की भाई आप ज्यादा सैड नहीं हो, हमारे पास है, हम बड़े ही आई थिंक आई फॉट लव गिविंग से शो हैं, तो हम आपको भी फिर से हैम्पर दे देंगे। चलो बाद में दे दीजिएगा। नहीं नहीं, अभी देंगे आपको, अभी देंगे। अभी तो फिर वो उनकी विक्ट्री सारी आप किरकिरी कर रहे हैं ना। नहीं, ये उसमें कम चीजें, ये आप ये आप दें। नो, थैंक यू सो मच, सो नाइस, वेरी वेल प्लेड। मैं भी जीता। नहीं, आपने जो दोबारा एंट्री मारी थी ना अचानक से, आप वापस आए थे, कमबैक किया, एकदम मैंने थरथली डाली थी। ये बिल्कुल ऐसी था जैसे रेखा खून भरी मांग में जो मॉडल बन के वापस आई थी। ये आप सब लोगों के लिए है, भूलना नहीं है। Spotify पे जाएं, डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे 8 करोड़ से ज्यादा गाने हैं। और मजे की बात यह है के फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत मजा आया फंताक्षरी में, आप लोग को भी आया होगा आई होप। अब चलते हैं पवेलियन की तरफ। वेलकम बैक टू द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मीमोफाई। इसमें आपको कुछ एक्टिंग अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, आपके पास तो है, आपको अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। क्रिकेट की एक्टिंग नहीं है, जो दूसरी एक्टिंग है वो आपके साथ हाथ से हो चुके हैं, तो आप आराम से ये दिखा सकते हैं। लेकिन इनको बता देना कि ये हाथ से आपके साथ डेली रूटीन होते हैं। लेकिन ओके, अच्छा इससे पहले आप बोले आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं विक्की भाई, तो आप सोशल मीडिया को, और जाहिर बात है क्योंकि आप
पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव कम हूँ, लोग जो जो मैं वही कहने वो ज्यादा एक्टिव है, वही मैं कहने वाली थी। तो आपको कैसे लगता है जब यू नो जब आपके आपके बारे में कुछ लिखा जाता है, स्पेशली क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने ओपिनियंस होते हैं, अच्छे ज्यादातर बुरे, तो डू यू फील लाइक डू यू फील अपसेट या डू यू डोंट रियली केयर अबाउट इट? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर एट ऑल. I care people who write good stuff and I care कि लोग जो critics हैं जो अच्छा लिखते हैं, critics भी is good, critics तो आपकी improvement के लिए हैं अगर वो लिखते हैं, अगर लेकिन अगर वहाँ पे माँ बहन की गालियाँ देने शुरू हो जाएं then I think और बहुत सारे ऐसे हैं जो but ये जो critics हैं जी ये हर field में होते हैं, जो usually उनका वो field से कोई लेना देना नहीं होता लेकिन वो वो ज्यादातर उनकी opinions बहुत strong है। मसला ये है ना कि हर बंदे के हाथ में ये है, तो जब ये है और वो और कोई रुकावट भी नहीं है, everyone is a media, तो जितने मुंह उतनी बातें, तो हर बंदे को ना बंदा जवाब दे सकता है और ना ही उस पर मेरा मतलब है ज्यादा अफसुरदा हो सकता है। मसला ये है कि मॉडर्न शुक्र है हमारे जमाने में नहीं था, हमारे जमाने में शुगर नहीं, आजकल डोंट यू थिंक ये एक्टर्स पे भी है लेकिन स्पोर्ट्स पीपल पे जो प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज मैंने देखा है कई सारे क्रिकेटर्स को, लड़कों को, कि वो मैच खत्म होता है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्वीट दैट हैज हैपेंड, सो ऑब्वियसली इट इज अफेक्टिंग पीपल। तो ये लोगों को बताना चाहिए कि आप यू आर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द क्रिकेटर्स, द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ योर कंट्री, बेस्ट स्पोर्ट्स पीपल ऑफ योर कंट्री। And that also do lot to do with the you know their management team जो उनको manage कर रहे होते हैं। I know it's a social media. It is, लेकिन you have to find the balance, right? आपको balance ढूँढना पड़ेगा, because आप it will start, because as an athlete मैं बता सकती हूँ that मैं जब Olympics या Grand Slams खेलती हूँ, I actually sign out of all my social media, क्योंकि it does affect you. We are human. तो every day to see के ये medal लाएगी, ये जीतेगी, ये करेगी नहीं, और फिर ना करो तो it does affect you and 100%. ठीक है, तो आई गेस सराउंडिंग भी जो है उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा इमरान बताएं, कोई ऐसा फनीएस्ट आपको कोई डीएम आया हो या वियर्डेस्ट डीएम लाइक दैट यू हैव गॉटन अ डीएम और अ कमेंट? मुझे तो इतने आते हैं कि मैं सीरियसली मुझसे क्लासिफाई नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा फनी कौन सा था और सबसे कम कौन। अच्छा एक दो सुना दें कोई, जो भी याद हो। नहीं मतलब इतने सारे मैं, आप क्या मतलब आप जिसको जवाब भी नहीं दे रहे होते, मतलब आपको मैसेजेस आते रहेंगे और वो किसी दिन मुझे एक मैसेज आएगा कि एक तो आप मुझे फॉलो भी करें और साथ मेरी गर्लफ्रेंड को भी फॉलो करके उसके लिए एक वीडियो शाउट आउट भी बना दें, उसकी बर्थडे है, मतलब आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे ना कि देखिए हम उस करते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उनकी मतलब शादी भी अरेंज कर देते ना, हैं ना, हाँ, हाँ, भी चले जाते हैं आप सबको फॉलो कर देते हैं और आपको आपको मैं डीएम में जाता ही नहीं और नॉर्मल कमेंट्स में, नॉर्मल कमेंट्स में बहुत सारे हैं, एक सुना दे, यू नो दैट, एक सुना दे विक्की भाई। देखिए मैं तो सुर्खियों में रहा हूं काफी ऐसा पिछले स्पेशली नहीं हूँ, रहता हूँ रहता हूँ, दैट्स लाइफ ना, रहना चाहिए, सुर्खियों में तो हम सब रहते हैं, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। हाँ, सही बात है। चले अब हम बढ़ते हैं हमारे गेम की तरफ जिसका नाम है मीमो फाइव। हम आप दोनों को एक एक सिचुएशन देंगे या दो दो सिचुएशन देंगे, आपको बिना कुछ बात करे उसको एनैक्ट करना है ताकि हम इस पे मीम बना सके आपके, बस एक्सप्रेशन देने हैं। जी इमरान ये आपसे है, आपको किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए फोन आए वर्सेस जब आपको किसी लोकल प्रोडक्शन से कॉल आए, दो एक्सप्रेशन देने हैं आपको। अभी इंटरनेशनल से आपको कॉल आया है नहीं देखिए दोनों पे खुशी होती है लेकिन हाँ ये कौन से वाले के लिए? दोनों के लिए अच्छा इंटरनेशनल के लिए इतना नहीं होता, लोकल के लिए डेफिनेटली लोकल के लिए चले ऑनेस्टी, ए फॉर ऑनेस्टी। विक्की भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच हार जाती है आपका एक्सप्रेशन क्या होता है? जीता हुआ हार गया, मतलब जीत रहे थे मैच, एकदम पासा पलटा और हार गए। हाँ जी पहले तो मेरे पास जो भी कॉपी शॉपी पड़ी होती है मैं उसको जोर से जमीन पे मारता हूँ, बिकॉज इट वाज जस्ट वन गेम बेसिकली, मारा एंड देन आई वांट टू जस्ट मूव बैक इनटू द ड्रेसिंग रूम, आई डोंट वांट टू सी देम फॉर अ लिटिल व्हाइल, बट देन आई सॉर्ट ऑफ कम बैक टू इट। बट उस टाइम एकदम यू नो एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो कैसे आएंगे एक्सप्रेशन?
बोले बगैर कैसे ये बड़ा मुश्किल सेगमेंट है वैसे ये इसको आपने बड़ा हल्का लिया हुआ ये यार की कर रहे गाली निकलती है आप दे सकते हैं क्योंकि डिजिटल शो है इसलिए मैं पूछ रही हूं गाली नहीं नहीं गाली नहीं मैं गाली नहीं देता वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट गाली नहीं वैसे गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं हाँ कभी मैंने नहीं देखा आपको मेरे क्रिकेटिंग करियर मेरे पास तो एग्जांपल साथ पड़ी है हाँ मैंने नहीं देखा आपको गाली देते हुए मैं शायद मुझे लगा कि आज निकल जाएगी पंजाब में रहते हुए बड़ा मुश्किल है वैसे गाली पे कंट्रोल करना है अच्छा इमरान ऑन अ वीक डे वर्सेस इमरान ऑन द वीकेंड आई डोंट हैव अ वीकेंड टू बी ऑनेस्ट नहीं वीक डे पे आपके मतलब क्या आपके कोई भी हैप्पी डे ये बहुत मुश्किल सेगमेंट है वैसे आपको बताऊं ये आपने समझा आप एक्टर हैं एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा हूं कि वी आपके लिए मुश्किल होना चाहिए आपके लिए समझ के कर लें चार फिल्में हैं वीक डे पे तो आई जस्ट मतलब नहीं होता कि स्नूज पे आप लगा देते हैं कि 10-10 मिनट बाद आप देख रहे होते हैं कि अब अलार्म 15 मिनट बाद फिर थोड़ा सा और सो जाएं तो वो जो मजा होता है ना नींद का वो एक आंख से देखना घड़ी को और वो जो आप रेगुलर डेज में होता है या अच्छा विकी भाई अगर ये आप मुझसे पूछें तो अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पूछ ओए होए 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 ये भी हो चुका है ये एक्सप्रेशन होता था ये जो मैंने कर दिया ना वो टडी की हो गया तभी भी गाली नहीं निकलती मैंने वेडिंग एनिवर्सरी किया मैंने एक दफा अपनी बेगम की बर्थडे पे I was a little confused कि ये 10 तारीख है या 12 तारीख को है I'm saying it now, but मुझे तारीख नहीं याद रही तो जिस तारीख को बर्थडे थी वो मैं समझा कि वो अगली वाली मैं और मैंने फ़ोन करके नॉर्मल बातें कर रहा हूँ एंड शी इज़ वेटिंग एंड आई एम और मेरे जिन गुमान में भी नहीं है वो ऐसा सिलसिला और उसने भी बंद कर दिया फ़ोन वो तो बाद में मेरे बच्चों ने मेरी बेटी ने मुझे मैसेज किया हैप्पी इसमें मामाज बर्थडे डू यू रिमेंबर दैट बोल तो नहीं गए मैं कर तोड़ी खैर टू लेट नाउ ये एक्सप्रेशन टू लेट तो ये उंगली उस वक्त तक थी नहीं ये उंगली थी बहुत पहले की इसने बहुत बड़े बड़े काम किए इसने बड़ा काम दिखाया मुझे इसने बड़ा बड़ा मरवाया बड़ी इसी तरह की कहानियों के साथ हमारा सेगमेंट खत्म होता है और अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर वेलकम बैक टू आवर शो द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई और अब वक्त हुआ है रैपिड फायर का सानिया प्लीज आप एक्सप्लेन करें एज यूजुअल मैं एक्सप्लेन करूंगी रैपिड फायर में हम आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने हैं क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है यूजली हमारे गेस्ट बड़ा टाइम लगाते हैं अगर आप विद इन 3 सेकंड्स जवाब नहीं देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर जाएंगे ठीक है आउट ऑफ दीज क्रिकेटर्स हु कैन बी आवर नेक्स्ट कैप्टन रिजवान शादाब शाहीन रिजवान पाकिस्तान के कोई 3 पॉपुलर सिंगर्स के नाम बताएं 3 पॉपुलर सिंगर्स जी आतिफ असलम डांस आप करते हैं लेकिन आपको सिंगर डांस और चीज है जल्दी रैपिड फायर है ये आतिफ असलम और आतिफ असलम आई मीन इतना पॉपुलर नहीं आई इज पॉपुलर इज वेरी गुड एक्चुअली जुनेद जमशेद हदीका कियानी अली अजमत अली जफर राहत फतेह अली खान प्रेशर इतना प्रेशर डाल दोगे आतिफ असलम तो फौरन आ गया अभी बात हो रही थी इसकी देखिए आपको घर से निकाला है तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए नुसरत फतेह अली खान अमानत अली खान तो हम अपने जमाने में चले जाते बेगम अख्तर ना शमशाद बेगम अच्छा अगला फिल इन द ब्लैंक ठीक है असा डैश जाना है डैश के घर असा जाना है बिल्लो दे घर हां हूं तुसी जाइए और लाइन सुना दो ना फिर किने किने जाना है बिल्लो दे घर बस दूसरी तरह नहीं जाना ना मैं नहीं जाना मैं बिल्लो दे करूं आया हूं अगर आपको माहिरा खान या मेविश हयात में से किसी एक के साथ फिल्म में कास्ट किया जाए हु वुड यू पिक माहिरा खान वेरी गुड विकी भाई वेरी रैपिड एक ऐसा गाना जिसमें एक ऐसा गाना जिसमें फूल का वर्ड आता हो
बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कभी आपने सुनाया ये गाना भाभी को? मैंने बड़े बड़े गाने सुने हैं, दिन कोई फर्क नहीं क्योंकि आपका आपका जो है ना हमारे वाला सीन उस वक्त पड़ता है, हमारे वाला सीन है ना लॉन्ग डिस्टेंस, तो मेरा ख्याल है गाने तो सुनाने पड़ते होंगे। बड़े बड़े फोन थे, या आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, या इट इज गाने भी सुनाओ, फिर आप फूल भी भिजवाओ, फिर आप अच्छी अच्छी बातें करो, ताई गुजारा होता है। सनम जंग, सना जावेद और उर्वा हुसैन। सनम जंग, सना जावेद। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। कल डैश देखा मैंने डैश झरोके में, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोके। He's got excellent voice. Well done, he's a nice voice. एक फिल्म जो आप चाहते हैं आपको ऑफर होती? मुझे ऑफर होती, मुझे ऑफर हुई थी और मैं कर नहीं पाया, आशिकी 2। बस एक कुछ मसला था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि काश वो कर पाता तो आशिकी 2। That would have been fun. Yeah, it was a nice songs. It was really nice songs actually. Yeah, amazing music. Yeah. Which one was your favorite? Amongst all of them? Yes. आशिकी के सारे गानों में तुम ही हो। So बहुत दर्द है आपकी आवाज में, शादी बनती है। ऑलरेडी दर्द है, ऑलरेडी दर्द है, ऑलरेडी दर्द है, और कितना दर्द चाहिए वो गाने कह रहे हैं ऑलरेडी दर्द है, तो मतलब आपका मतलब है बढ़ जाएगा ज्यादा नहीं। वेल डन इमरान, दैट वाज योर रैपिड फायर। इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये सेगमेंट, अब हम चलेंगे यादों की बारात की तरफ। Welcome back to the Mirza Malik Show, powered by Spotify. और ये सेगमेंट है हमारा यादों की बारात। हम सबको पता है कि म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। वकार भाई अब आप बताएं कि आप म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारा सुनते हैं। किसी जमाने में सुनते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो भी देसी ज़्यादा होता था। मैं वो इंग्लिश वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि मैंने नुसरत फतेह अली के साथ बड़ा टाइम गुजारा, जब शौकत खानम बन रहा था, तो बिग फैन ऑफ him when he was alive, Allah unki maghfirat kare. But yeah, I mean, not that much into English and all that. Mere bacche hain waise. Haan, main to aap itna acha gaate hain. Jo bhi maine to main seekha hai classical bachpan se, aur mera bhi sara yahi wala India Pakistan ka music. Us taraf bahut kam suna. To isi mein itni gehrai thi aur itna kuch tha khojne ke liye. और मैं भी बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं लता जी से, आशा जी से, आबदा परवीन, मैडम नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन खान साहब, सब से मिला हूँ। अलका याग्निक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, श्रेया घोषाल के साथ, मतलब आई हैव मेट ऑल दोज अमेजिंग पीपल विच आई कैन। आबदा परवीन की चीज़ मैं एक गाना बल्कि रिकॉर्ड करा रहा हूँ कुछ दिनों बाद, और अक्सर आप उनके गानों की रील्स भी डालते हैं। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ उनसे। चलिए यादों की बारात में हम आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस देंगे जिससे आप को जो गाना याद आता है आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दें। आपकी तो इतनी अच्छी वॉइस है। मेरे वाले भी अब इन्हीं से पूछ। नहीं, वो गेम ऐसे नहीं है ना, अद्दे दे दे उन्होंने, वो दूसरा वाला शो है। तो भी गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा इसके बाद कोई जीतने पे? तो मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा बस अभी से पिछले वाले जो ये जीत गए तो उसमें बाकी तो हैम्पर उधर जा रहा है। अच्छा इमरान, आपसे स्टार्ट करेंगे। एक गाना जो आपको आपकी पहली मोहब्बत की याद दिलाता है। पहली मोहब्बत की याद, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। बताया था? बताता तो यहाँ अकेला बैठा होता। इसके बाद वैसे मेरा गाना बनता नहीं है।
to be honest. नहीं नहीं इसके बाद आपका और ज्यादा बनता है. जी विकी भाई, एक ऐसा गाना जो आपकी वाइफ को बहुत पसंद है. मैं गाता होता था किसी जमाने में उनके लिए, और वो उनको पसंद था, उनको अच्छा लगता था. उनको गाना आता था एक जमाने में, शादी से थोड़ा अरसा पहले की बात है ये. थोड़ा सा धूप में निकला न करो रूप, क्या था, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए. वाह इतना सुर, इसके बाद इतना सुर देखा है ना, कॉन्फिडेंस हाई हुआ कि नहीं. इसके बाद अच्छा इमरान, एक ऐसा गाना जो आप वर्कआउट करते हुए सुनते हैं. वर्कआउट कर तेरी हर अदा सितम है ओ जान लेवा, वो अपने लिए, मैं खुद ही खुद ही अपने लिए कर रहा होता हूँ. जान लेवा बिल्कुल सही है. मैं इसलिए जिम जाता ही नहीं हूँ. इसलिए आप सोफे पे आज गाएंगे. एक ऐसा गाना जो आप बचपन में बहुत सुनते थे. बचपन में बहुत सुनते थे नन्ना मुन्ना राही नहीं ये तो मुझे आता भी नहीं. I can't think of any to honest. कोई मैडम नूर जहान का गाना, एक वो एक दफा मुश्ताक, वो पुराना गाना है वैसे, मुश्ताक साहब को जब शेन वॉन ने चौथा एक छक्का मारा ना एक ही ओवर में, तो वो उसने जबरदस्ती ओवर लिया था वसीम भाई से लड़के ना ब्रिस्बेन में, कि मैं आउट कर देना पाया दे मैंने दे. उस वक्त जब दूसरा छक्का पड़ा मैंने कहा मशी तू विकेट खरीदने जा रहा है, यू आर नॉट गोइंग देयर टू टेक अ विकेट, यू आर जस्ट बाइंग इट. और वो 90 कर गया, 90 ऑड कर गया. तो उस वक्त मैंने उसको गाया था, मैंने कहा तियां ते तन पराया वे बाबला. उसने मुझे इतनी गालियां दी, उसने वसीम भाई को शिकायत लगाई. उसने कहा देखो जी भैन असि इन्नी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने देखो. इमरान, एक ऐसा गाना जो आप बचपन में बहुत उस पर डांस भी करते थे या उस पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड. ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. इसमें बड़ा वो वाला नाच नहीं था, लेकिन इसके अंदर बड़ा एक फ्लो था, एक जिस तरह टक टक मुझे होता है ना वॉल्ट्स, बड़ी अच्छी सी बीट एक, और बड़ा बड़ा सूदिंग कुमार सानू का गाना था. ब्यूटीफुल वॉइस, वेरी वेल डन. और इन्हीं गानों की यादें रिवाइव करने के लिए आप जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं स्पॉटिफाई एप्लीकेशन. अब चलते हैं हमारे फाइनल मैच की ओर. वेलकम बैक टू द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई. और अब वक्त हुआ है हमारे फाइनल मैच का. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हम खेलेंगे फाइनल मैच. हम आपको कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ फेंकेंगे और आपको उनके आंसर देने हैं, लेकिन आपको ये जो टेबल टेनिस का बैट या रैकेट आपके हाथ में है उस पर बॉल बाउंस करनी है साथ में, एंड यू कैन नॉट ड्रॉप द बॉल. And you got to answer all the questions, ठीक है? If I drop the ball, if you drop the ball, you will start again. But score कम होगा. But good try again, Vicky भाई. And who's going first? बड़े भाई. Yeah. बड़े भाई. पहले बड़े भाई. Vicky भाई, are you ready? Please start bouncing. Okay. आपने कभी मैच हारने का गुस्सा घर पे नहीं निकाला? True or false? True. आपने कभी अपनी स्टार पावर यूज करके डिस्काउंट नहीं मांगा? ट्रू और फॉल्स? मांगा. आपने कभी टीम में किसी की सिफारिश नहीं की? ट्रू और फॉल्स? नहीं की. 29 + 3 = 32. क्विकली, वेल डन. तीन काम जो हाथों से किए जाते हैं. एक तो मैं कर रहा हूँ. दूसरा जूते भी पहने हैं सुबह. अच्छा. जैकेट भी पहनी है. कोई तीन एक्ट्रेसेस के नाम बताएं. करीना कपूर, कैथरीना कैफ और मायरा खान. अच्छा अच्छा. कोई तीन आपकी गर्लफ्रेंड्स के नाम बताएं व्हाइल यू आर एट इट. शादी से पहले के बता दें, पता किसी को नहीं चलेगा. मैंने बता दें. घर भी जाना है. लेकिन यू नॉट डिनाइंग इट राइट. मैंने घर भी जाना है. चले अच्छा एक बता दें.
मैंने अभी भी घर जाना है। ठीक है, येलो इज नॉट ओवर। एक और क्वेश्चन है आपका, येलो कलर के कोई तीन फ्रूट्स बताएं। येलो कलर के तीन फ्रूट्स, जल्दी जल्दी। येलो कैन बी मैंगो, अच्छा येलो कैन बी ग्रेपफ्रूट, ग्रेपफ्रूट ये वाला दे दो, ग्रेपफ्रूट। और येलो कैन बी, और क्या येलो होता है, बनाना कैन बी येलो, कैन बी नहीं, इज ग्रीन भी होता है ना, मसला है ना। चलें ग्रेट, ये था आपका फाइनल मैच। हाउ डू यू थिंक यू डिड? I think I've done well apart from apart from your tricky and very controversial and a very dodgy question. Challenge. Imran, आप ready? मैं ready हूँ, लेकिन ये तो ये पहले सवाल पे गिर जाएगी भाई। चलो खैर देखते हैं, वो आपके पॉइंट्स वैसे ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। चलो ठीक है, ओके। आप इसको देखें ना, कान उधर रखें बस। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करें जी। आपकी कभी किसी डायरेक्टर से बहस नहीं हुई? गलत, बहुत हुई है। आपसे कभी किसी फैन ने फ्लर्ट नहीं किया? गलत, हर फैन करती है। ओके, आपने कभी किसी को एक्टर के सीन्स नहीं कम कराए? कभी नहीं कराए, मैं तो कहता हूँ बढ़ जाए, मेरा काम जल्दी पैकअप हो जाए। ओह गुड। थ्री कॉर्नर्स वाले शेप को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। वेरी गुड। कोई तीन काम जो रात में करते हैं? खराटे, लाते मारता हूँ किसको? और सोचता बहुत हूँ। कोई बात नहीं, टांगे मारते हैं किसको? और तीसरी चीज, तीसरी चीज सोचता बहुत हूँ रात को। सोए पड़े, सोते हुए, सोते सोते में कहा, रात को कहा था, सोते में कहा था, सोते हुए में, बिल्कुल। अच्छा सोते में तीसरा, जागते हुए भी टांगे मारते हैं। सोते में तीसरा काम, ख्वाब देखते हो यार, ख्वाब देखते। वेरी गुड। तीन लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं? तीन लोग जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं जल्दी माँ, अपने अपनी माँ से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, और अपने अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे सब फैमिली 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 में सब है। मिडल ईस्ट के कोई तीन कंट्रीज के नाम? बहरेन, कतर, ओमान। कोई ऐसा गाना जिसमें चूड़ी का जिक्र? चूड़ी, चनन चन चूड़ियां खनक गई, देख साहेबा चूड़ियां खनक गई, हाथ माँ मोरनी, बागा माँ बोले आधी रात माँ। चलें, ग्रेट इमरान। आप लोग को कैसा लगा हमारे शो पे? पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी खत्म हो गया। अभी तो बहुत हसरतें थी दिल में, बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ, बहुत जवाब देने थे। बैट और वो बॉल दे देती हैं, आप वो करते हुए जाएं। आखिर में वो स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी, मैंने कहा ये तो बड़े मजे की चीज है यार, ये तो कुछ अच्छा। और विकी भाई आपको कैसे लगा? आपको मजा आया? ऑलवेज ग्रेट फन, आई मीन ग्रेट सीइंग यू अगेन, एंड ग्रेट शो। आई थिंक दिस विल डू रियली रियली ग्रेट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस द वे यू हैव डन इट। एंड सो Thank you very, very much for inviting us. Really had a great time. और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मली इंटरव्यू शोज़ में इसलिए नहीं जाता कि वहाँ कोई ना कोई वायरल होने के लिए, किसी भी सवाल को, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए, किसी भी ऐसी बातों किया जाता है जिसमें कोई नेगेटिविटी होती है या किसी की बुराई या किसी की कोई ऐसी चीज़, सो पॉजिटिवली हैंडल्ड। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द मिर्ज़ा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू आवर शो। बोला भी नहीं यार क्या बोलना था। हम ट्राई करेंगे कि कुछ अलग सवाल पूछें, और अगर अलग नहीं है तो आप हमारे राइटर्स को बोल सकते हैं हमारी गलती नहीं है। हम अलग कर देंगे, जवाब अलग कर देंगे। भाभी मैंने कोई बहुत शानदार कोई ऐसे कोई तीर नहीं मार लिया। एनी परमिशन इशू? आई डोंट नो, मे बी वी विल गेट टू दैट सम टाइम। अगर ऐसी सूरत आ गई तो बस फेवरेट टॉपिक पे आ गए। क्रिकेटर इधर आते हैं तो इनके फेवरेट टॉपिक हो जाती है, आपकी बुड्ढी आप सुन रहती है, आप अपनी बीवी से डरते हैं, आप मतलब ये चले शुरू। नहीं मैंने सिर्फ यही कहा था परमिशन इशू। हां नहीं, किससे परमिशन? बट व्हाई अम्मी से, अम्मी से द क्वेश्चन। मुझे ये बताएंगे ये हमें मुजरिमों की तरह क्यों कटहरे में खड़ा किया, इतना बुरा हम गाते हैं कि हमें ये हमें दोनों कंटेस्टेंट को देख के बनाना पड़ता है। एक अगर अच्छा गाते हैं और एक गाता ही नहीं है तो मुजरिम।
इसी तरह प्यार बांटते रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. क्यों बेगम? श्योर. ओके मूविंग ऑन. कैट कैट थैंक यू.